उपाध्यक्ष महोदय, कृषि एवं किसान कल्याण की अनुदान मांगों की चर्चा में मुझे भाग लेने का सौभाग्य मिला। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार की कृषि नीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कृषि चिंतन से प्रेरित है। मैं समझता हूँ कि दीनदयाल जी के अदेव मातृत्व का कृषि का प्रचालन करने की बात कही थी, अर्थात उन्होंने कहा था कि कृषि प्रकृति पर निर्भर नहीं हो, सिंचाई की प्रयोजनों का विस्तार भी किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के दस्तावेज ये बताते हैं कि सन 1750 तक भारत की एक एकड़ भूमि इंग्लैंड की एक एकड़ भूमि से तीन गुना ज़्यादा पैदावार किया करती थी। उस समय धान और चावल की फसल हुआ करती थी, उसकी भी 1 लाख किस्में से भी ज़्यादा किस्में हुआ करती थी। सन 1760 तक भारत विश्व का सबसे संपन्न किसान वर्ग था। मैं समझता हूँ कि इसलिए यह पंक्ति कही गई कि उत्तम कृषि माध्यम मान करे चाकरी निदान, भारत की जलवायु की तरह चीन की जलवायु भी रही है। अंग्रेजों के आंकड़ों के अनुसार चीन और भारत विश्व का 70% विश्व का कुल खाद्यान्न इन दोनों देशों में होता था। ऐसा अंग्रेजों के दस्तावेज में बताते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, फिर क्या हुआ, इस देश के 1947 के आज़ाद भारत के बाद में 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। किसान की हालात क्या हुई ये सारी दुनिया जानती है। अन्नदाता कहा जाने वाला किसान की स्थिति दयनीय होगी। यूपीए सरकार के दौरान किसान और कृषि की दयनीय स्थिति से इस देश के किसानों ने आत्महत्या बड़े पैमाने पर होने लगी है। उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2010 में देश भर में 15,933 और 2011 में 14,004 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। हालात ये है कि 84 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे और 20 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं और लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। भारतीय मुद्रा अपनी हैसियत खोती गई, महंगाई बढ़ती गई, ये चिन्ह सारी अर्थव्यवस्था चौपट होने को आ गई। भारत में अब तक की सभी केंद्र सरकार के प्रधानमंत्रियों ने अपने एजेंडे में रखे हैं मशीनीकरण, औद्योगिक क्रांति, गरीबी हटाओ, मारुति कार, कंप्यूटर, समाजवाद, वैश्वीकरण, दलितों का उत्थान, ये सारे के सारे उन्होंने अपने एजेंडे में रखा है। लेकिन मात्र इस देश के दो प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री, दो प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने कृषि सरकार का मातृ विषय मानकर नीतियाँ तय की थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी ने एक कृषि का एक मुख्य विषय मानकर 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य एक युगांतरी कार्य सिद्ध होगा। मैं समझता हूँ कि मोदी जी की सरकार गांव की सरकार है, मोदी जी की सरकार गरीब की सरकार है, मोदी जी की सरकार एक मजदूर की सरकार है, इस गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की सरकार अगर कोई है तो केंद्र की सरकार और मोदी जी की सरकार है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सालों के मुकाबले अगर हम कृषि विकास दर को अगर हम देखें तो 2 से 3% हुआ करती थी, वर्तमान में 4.2% विकास दर होने का जो क्रांति है, ये जो कृषि दर में क्रांति लाने का अगर किसी ने काम किया है वो केंद्र की सरकार ने, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं समझता हूँ कि 2016-17 में जो 44,250 करोड़ का प्रावधान था वो 15.31% बढ़ा के अब 51,026 करोड़ का प्रावधान किया है। इससे किसान को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। यह सरकार 1 करोड़ गरीब परिवारों को गरीब की श्रेणी से बाहर लाने का सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय कृषि मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि किसान की फसल जब पक जाती है तो किसान के सामने एक सबसे बड़ा संकट जो होता है वो प्राकृतिक आपदा का होता है और इस सरकार ने किसान की फसल को सुरक्षा देने के लिए एक ही उपाय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो उपाय साझा किया है उससे किसान को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। किसान के बीमा कंपनियों द्वारा निर्मित खरीफ की फसल के लिए 2% और रवि की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम रखा है और बाकी सारा पैसा सरकार अपने खजाने से देगी। अगर ऐसा हुआ तो पहली बार हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने पहली बार 35% अगर किसान की फसल का खराबा हो जाए तो उसको भी प्रीमियम, उसको भी मुआवजा, उसको भी कंपनसेशन अगर देने का किसी ने काम किया है वो केंद्र की सरकार ने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसान की उत्पादन की के समर्थन मूल्य की और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि किसान की फसलों का उत्पादन उसके समर्थन मूल्य के हिसाब से मिलनी चाहिए। अभी जहाँ से मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में सरसों की फसल एक बम्पर फसल होती है
और सरसों की फसल का 3700 रुपए के करीब समर्थन मूल्य और राजस्थान में 3,3200 रुपए सरसों बिक रही है, तो समर्थन मूल्य के हिसाब से गेहूं का, चने का, कॉटन का अगर सरकार खरीदे तो किसान को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने किसान के लिए 10,00,000 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने सरकार ने जो प्रावधान रखा है 60 दिन तक किसान का कोई भी ब्याज नहीं लगे। भारतवर्ष में खुशहाली और समृद्धि के मार्ग खोले जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है और खुशहाली आएगी तो इस केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में आएगी। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 17 फरवरी 2015 को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीगंगानगर में उन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की थी। उपाध्यक्ष महोदय, सारे सदस्यों ने अपनी अपनी बात को रखा है लेकिन 4,25,00,000 सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं कृषि मंत्री जी को, सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक इतना अच्छा जो काम की शुरुआत की है। किसान की जमीन कितनी खराब है, जमीन कितनी बीमार है, धरती माँ की तबीयत कैसी है, उसको अगर जानने का कोई काम करता है तो यह प्रयोगशाला करती है। मैं सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार ने 2014 से 2017 तक के 460 सॉयल हेल्थ प्रयोगशालाओं की जो मंजूरी दी है, कृषि विज्ञान केंद्र 641 जो सरकार ने बनाए हैं, मैं सरकार को धन्यवाद देऊंगा। इसमें कृषि कौशल विज्ञान केंद्र का अनुभव भी किसानों द्वारा लिया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की तरफ मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा उपाध्यक्ष महोदय कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान के खेत में सही तरीके से पानी पहुँचे, हर हाथ को काम मिले, हर इंसान को सिर ढकने की व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपये का राशि का प्रावधान किया है। मैं केंद्र सरकार को और मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टर कृषि योग्य भूमि जिसका 65% हिस्सा जिसके खेत में पानी नहीं पहुँचता था उनका अगर राज्य स्तरीय उनमें अगर सहयोग करें तो केंद्र सरकार पानी देने में सक्षम रही है। इस देश के अंदर जमीन की प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 5,000 करोड़ रुपये की राशि एक समर्थित सूक्ष्म सिंचाई योजना की स्थापना की गई है। मैं सरकार को और मैं माननीय कृषि मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे अच्छी शुरुआत की है किसान के उत्थान के लिए, किसान के आगे बढ़ाने के लिए, किसान को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, किसान समृद्ध होगा तो देश विकास के पथ पे पहुँचेगा। अगर ऐसी योजना बनाइए तो वो केंद्र की सरकार ने बनाई है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक इतनी अच्छी योजनाओं की शुरुआत की है। मेरे से पहले कई सांसद बोल रहे थे, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि किसान के ने जो सरकार ने नीम कोटा यूरिया की जिसकी शुरुआत हुई है वो हमारे किसानों के लिए एक बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। मैंने अभी एक बठिंडा में NFL एक प्लांट में देखने के लिए गया था, वहाँ नाइट्रोजन जमीन में 4% चाहिए था लेकिन वहाँ पर नाइट्रोजन जमीन में 22% है। अगर जमीन की खराब हुई है तो वो गलत नीति, कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों के कारण और इस यूरिया के कारण वो जमीन खराब हुई है। जब नीम कोटक यूरिया की जो शुरुआत इस सरकार ने की है उससे किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मैं आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सिर्फ दो सुझाव देकर अपनी बात को सिर्फ दो सुझाव दूंगा। माननीय कृषि मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे यहाँ श्रीगंगानगर में तीन सेंट्रल फार्म है, करीबन 1,000 करोड़ रुपये के हैं और माननीय कृषि मंत्री खुद देखने भी गए थे। सूरतगढ़ के अंदर है, सरदारगढ़ के अंदर, जैसर के अंदर है, वहाँ पे 5 मेगावाट का 2,000 करोड़ का एक सोलर प्लांट भी सरकार लगा रही है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए या फिर एक कृषि एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर या कौशल विकास सेंटर ऐसे स्थापना की जाए ताकि किसानों को बेनिफिट मिल सके। पूरा का पूरा एरिया सारा का सारा किसान का है। दूसरा मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय कि मेरे से पहले कई सदस्यों ने नरेगा के लिए किसान के साथ में कन्वर्जेंस करने की बात की है और मैं भी उसमें समर्थन करता हूं कि अगर कन्वर्जेंस हो जाए तो 200 रुपये नरेगा का 300 रुपये किसान अपनी जेब से दे और मजदूर को भी पूरी उसकी मजदूरी मिले, किसान के खेत में भी पूरा काम हो, किसान उसे समर्थदाली होगा, ये मैं निवेदन करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।